नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा सा चैनल एके टेक वीडियोस। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपसे करूंगा गुजारिश कि जो मेरा एके टेक वीडियो चैनल चल रहा है उसके नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है आप उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है आप उस घंटी को दबाना ना भूलिए और मेरे चैनल के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे होगा ये कि मैं अगर आपके लिए कोई भी टेक्निकल वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और दोस्तों, आप बहुत दिनों से देख ही रहे होंगे कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो स्कीम चल रही है जिसमें एक किसान को एक साल में 6,000 रुपये मिलने हैं, 3 किस्तों में दिए जाने हैं 2,000, और उसके लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये एक तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये फॉर्म जो है वो कैसे फिल होता है और आपको कैसे फिल करना है, और मैं उसके लिए आज आपको पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से आप घर बैठे आसानी से ये फॉर्म ऑनलाइन कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको आप मेरी वीडियो को मिस मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मैं दे सकूं और आप अपना फॉर्म या अपने परिवार का फॉर्म आसानी से आप फिल कर सकें। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फॉर्म सिर्फ किसानों के लिए है और ये भी मैं देख रहा हूं कि कुछ किसान नहीं है और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और उनके अकाउंट में पेमेंट भी आ चुकी है। और दोस्तों, मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो लोग किसान हैं केवल वही इस फॉर्म को फिल करें, अदर कोई फॉर्म को फिल मत कीजिएगा। और दोस्तों, इसमें जो मैं आपको बताऊंगा तो आप इसको प्लीज स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो को पूरा देखिए। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे, तो देखिए आओ चलते हैं। और दोस्तों देखिए, हम मोबाइल की स्क्रीन पे अब आ चुके हैं। अब मैं मोबाइल से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसके लिए मैं आज पूरा आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और देखिए, क्रोम को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो राइट साइड में ऊपर 3 डॉट दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है ताकि ये हूबहू एक लैपटॉप की तरह ये चलने लग जाए। और देखिए, ये लैपटॉप के तरह चलने लग गया। और दोस्तों, यहाँ पर सर्च बार में आपको लिख देना है पीएम किसान pmkisan.gov.in लिखकर आपको सर्च कर देना है। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। तो देखिए, अब ओपन हो रहा है। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा प्रोसेसिंग कर रहा है। और देखिए, इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि यह जो फार्मर कॉर्नर है इस पर आपको क्लिक कर देना है और जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए, इसके बाद आपको सबसे पहले आपको ज़रूरी चाहिए होता है अपना आधार कार्ड। यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड लगा देना है और नीचे जो इमेज कोड में यहाँ पर जो कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर क्लिक केयर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको फिल करके आगे ले चलता हूँ। और दोस्तों, इस तरह का फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप जैसे मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मैं यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो आपका ब्लॉक है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और जिस गांव से आप गांव में आप रहते हैं यहाँ पर आपने वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर फार्मर नेम फिल करना है
और यहाँ पर आपको जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, और इसके आगे जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो फार्मर टाइप है, आप अगर छोटे किसान हैं तो आपके पास 1 या 2 हेक्टेयर से कम है तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, और अगर इससे ज़्यादा है तो आपको अदर पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद देखिए ये तो ऑटो फिल आ जाएगा, आधार कार्ड जो आपका आधार नंबर भी यहाँ पर ऑटो फिल आएगा, और यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है, और यहाँ पर जो बैंक है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, जिस बैंक का भी आप IFSC कोड डालोगे वो बैंक अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपने उस बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो आपको डाल देना है, और यहाँ पर आपको जो आपने पहले अपना जो गांव लिखा था वो यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। और दोस्तों आपको सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आ जाएगा अगर आधार कार्ड आपका मैच हो जाता है तो यहाँ पर यस लिख कर आ जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर आपको रीऑथेंटिकेट पे क्लिक करना होगा। और दोस्तों इसके आगे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पर आपको फार्मर की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और यहाँ पर उसका फादर नेम या मदर नेम, या अगर कोई लेडी है तो उसका हस्बैंड का नाम डाल देना है। और जो यहाँ पर है जो इसके नीचे जो ऑप्शन है सिंगल और जॉइंट, अगर उसके पास अपनी ज़मीन सिंगल आदमी की है तो यहाँ पर सिंगल पे आपको क्लिक कर देना है, अगर उनके साथ और भी लोग हैं जॉइंट हैं या उसका जो एक साथ जो ज़मीन होती है इकट्ठी उसकी ज़मीन है तो यहाँ पर आपको जॉइंट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर पूरी डिटेल डालनी है। जैसे मैं आपको सिंगल पे क्लिक करके और यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर क्या डालना है, और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, और यहाँ पर जैसे ही आप ऐड करोगे अभी अब क्लिक हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर ऐसे खुलकर आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है सर्वे खाता नंबर, यहाँ पर उस आपको उसकी खेवट नंबर डाल देनी है, और यहाँ पर जो खसरा नंबर लिखा हुआ है इस पर आप इसमें आपको खसरा नंबर डाल देना है, और ये जो एरिया है इन हेक्टेयर में आपको एरिया डालना है, जैसे किसी का भी अगर 5 हेक्टेयर से कम है तो उसका हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर एरिया इन हेक्टेयर में डालकर आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद यहाँ पर जो चेक मार्क है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेने के बाद अगर आप फिर से सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ऑलरेडी फॉर्म फिल आपका हो चुका है, और इस तरह से आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने PC से, या अपने लैपटॉप से घर बैठे कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जल्द ही मैं आपके सामने नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।